नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पावर प्लांट अड्डा पे। तो आज हम बात करेंगे कि जब फर्स्ट टाइम हम बॉयलर में अपना बेड मटेरियल फिल करते हैं तो उसकी क्वांटिटी हम कैसे निकालेंगे, ठीक ना, जब इनिशियल टाइम में फिल करते हैं। ठीक है, तो डिटेल से बात करेंगे इसके बारे में। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि जो इनिशियल कंडीशन में बेड मटेरियल फिल करना था उसकी क्वांटिटी कितनी लगेगी, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जो हमारा नोजल होता है ना, एयर नोजल के नीचे जो हमारा बेड होता है, मतलब बेड मटेरियल होता है, वो पूरा स्टैटिक कंडीशन में होता है, उसका मूवमेंट नहीं होता, उसका प्रोडक्शन नहीं होता है। जो भी आपका बेड मटेरियल है आपके एयर नोजल के ऊपर, केवल उसका ही फ्लूडाइजेशन होता है। और हम जो बेड हाइट कैलकुलेट करते हैं वो यहीं से करते हैं, मतलब नोजल के ऊपर से ही करते हैं कि हमारा बेड हाइट कितना है। तो जो उसको हम बेड हाइट रखते हैं वो आपका 250 to 300 mm तक रखते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे 300 ले लिया है। तो जब आप इनिशियल कंडीशन में फील करोगे तो उसके लिए आपको ये दोनों, मतलब जो आप नीचे जो आपका स्टैटिक बेड है उसके लिए भी बेड मटेरियल चाहिए होगा, और जो आप बेड हाइट मेंटेन करोगे उसके लिए भी आपको बेड मटेरियल चाहिए होगा। ओके, तो मैंने दोनों ले लिया है। तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जो बेड मटेरियल की डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 1000 kg/m3 की। ओके, तो ये तो डेंसिटी देखी हमने कितनी होती है, 1000 kg/m3। और जैसे कि हमें पता होता है कि जो हमारा बेड होता है, बेड मतलब फर्नेस के कई सारे कंपार्टमेंट होते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा ये फर्स्ट कंपार्टमेंट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, मतलब 5 कंपार्टमेंट का बॉयलर है। ओके, तो सबसे पहले हम जो यहाँ कैलकुलेट करेंगे वो इस फर्स्ट कंपार्टमेंट का कैलकुलेट करेंगे, ये वाला जो कंपार्टमेंट दिख रहा है इसका। तो इसका कैलकुलेट कैसे करते हैं हम, इसका जो कंपार्टमेंट है आपका उसका हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। ओके, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, फर्स्ट आपका लेंथ, फिर आपका विड्थ एंड हाइट, ठीक ना, लेंथ विड्थ हाइट। ओके, तो लेंथ कितना दे रखा आप देख सकती है, 2 meters। ओके, विड्थ कितना है ये, 6 meters। ओके, एंड हाइट कितना है ये, 300 and 100 mm, तो कितना हो जाएगा, 400 mm। 400 को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, कितना जाएगा, 0.4। तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 4.8 m³। मीटर क्यूब आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, क्यूबिक मीटर। ओके, तो ये हो जाएगा 4.8 m³। तो यहाँ पे आपका डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, डेंसिटी इक्वल क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ से हमने वॉल्यूम तो निकाल दिया है, डेंसिटी हमें पता है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे डेंसिटी कितनी थी हमारी, 1000, ये भी मीटर क्यूब में था, सॉरी 1000 kg/m³। ओके, और मास हमें निकालना है, वॉल्यूम कितना था हमारा, 4.8 m³। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे मीटर क्यूब से, मीटर कट जाएगा, जो मास आ जाएगा आपका, मास इज इक्वल टू 4800 kg, 4800 kg। ओके, तो ये तो हमारा निकल गया एक कंपार्टमेंट का, ऐसे ही आप बाकी कंपार्टमेंट का भी निकाल सकते हैं। अगर मे बी आपके यहाँ मे बी डायमेंशन अलग हो तो उस डायमेंशन से आप निकाल सकते हैं उसको। अगर आप बैग में कन्वर्ट करना है, मतलब कितने बोरी आएंगे, तो जितने केजी का आपका बोरी रहता है, मान लीजिए 40 kg का है या फिर 50 kg का, तो उससे डिवाइड कर दीजिए, आपका बोरी में आ जाएगा कितना बोरी लगेगा हमारा बेड मटेरियल इनिशियल कंडीशन में फिलिंग के लिए। ओके, तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, आई होप ये आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।